हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सोनू स्पीकिंग फ्रॉम सक्सेस स्पीकिंग क्लासेस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे पास मॉर्निंग बैच में ये केवल दो स्टूडेंट आए हैं, बाकी सब स्टूडेंट हैं। एंड द रीज़न इज वॉट ही एंड आई डोंट नो, बट मैं करूँगा इनके साथ प्रैक्टिस और मैं हिंदी बोलूँगा एंड दिस टू विल ट्राई टू डू योर बेस्ट एंड विल ट्रांसलेट सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ओके, हेलो अमान। हेलो सर। हेलो जुबैर आलम। ओके, एंड मेरा सेंटेंस है, मैं कैसे बोलूंगा कि मेरी एड़ी में फ्रैक्चर हो गया। माय हील गेट फ्रैक्चर। ओके, इन्होंने कहा माय हील गेट फ्रैक्चर, तो वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि हो गया पास्ट है, तो हम बोलेंगे माय हील गॉट फ्रैक्चर, मेरी एड़ी में फ्रैक्चर हो गया। मतलब आपकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, बोल सकते हैं माई लेग गॉट फ्रैक्चर। आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, आप बोल सकते हैं माई हैंड गॉट फ्रैक्चर। तो हो जाता है तो गेट है, हो गया तो गोट है, फ्रैक्चर्ड में थर्ड फॉर्म आती है। ओके, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा सेंटेंस में जब आप बैंक जाते हैं तो आप क्लर्क कहता है कल आना, फिर वो कहता है आज मशीन खराब है, फिर कहता है कि आज वो नहीं है, तो आप गुस्से में आकर ये कहते हैं कि मैं कितने चक्कर रोड लगाऊं, ये लगाऊंगा, कैसे बोलेंगे? नहीं पता तो बोलेंगे आई डोंट नो। कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। ओके, उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे हाउ मैनी राउंड्स विल आई मेक मोर, हाउ मैनी राउंड्स विल आई मेक मोर। इसका मतलब है कि मैं कितने चक्कर और लगाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा खाना बड़ा स्वादिष्ट है, तो आप उसे खाते हुए कहते हैं खाना बहुत स्वादिष्ट है, तो आप कैसे बोलते हैं? स्वादिष्ट नहीं पता आपको, डिलीशियस। द फूड इज डिलीशियस। आप ऐसे भी कह सकते हैं द फूड इज डिलीशियस, आप यू कह सकते हैं द फूड इज पलेटेबल। पलेटेबल का मतलब ही होता है जायकेदार है, यानी कि स्वादिष्ट है खाने में, तो द फूड इज पलेटेबल। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है। अगर आपने कहा मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, तो आप बोलते हैं माई मोबाइल बैटरी इज गेटिंग डाउन, या मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन है तो आप बोलते हैं माई मोबाइल बैटरी इज डाउन। हो रही है तो गेटिंग डाउन, और है तो आप बोलते हैं इज डाउन। समझ में आया क्या? यस सर। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने कहा कि तुम कंफ्यूज हो। यू आर कंफ्यूज। कैसे बोलेंगे? यू आर कंफ्यूज। तो कंफ्यूज ना बोलिए, आप थर्ड फॉर्म जरूर लगाइए, यू आर कंफ्यूज। कैसे बोलेंगे? यू आर कंफ्यूज। कैसे बोलेंगे? यू आर कंफ्यूज। ओके, मैंने कहा उसने मुझे गुस्से में गाली बकी। एक सेंटेंस, उसने मुझे गाली दी, तो आप कैसे बोलते उसने मुझे गाली दी? अरे उसने मुझे गाली दी। जी है, वेरी गुड, ही अब्यूज्ड मी। कैसे बोलेंगे? अब मेरा सेंटेंस है कि उसने मुझे गुस्से में गाली दी, उसे ऐसे बोलेंगे ही अब्यूज्ड मी इन अ फिट ऑफ रेज। ही अब्यूज्ड मी इन अ फिट ऑफ रेज, या इन द स्टेट ऑफ रेज भी आप कह सकते हैं, गुस्से में, गुस्से की स्थिति में होगा, उसने मुझे गाली दी। ही अब्यूज्ड मी इन द स्टेट ऑफ रेज। ओके, मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा उसने गुस्से में ऐसा बोला। इज गलत बोला, पास्ट। जोर से बोल। He was गलत, उसे ऐसा बोलेंगे उसने गुस्से में ऐसा बोला। ही स्पोक सच। ही स्पोक सच, सच मानी ऐसा ही आप ऐसे कह सकते हैं। ही स्पोक शो, उसने ऐसा बोला किसमें? गुस्से में। इन द स्टेट ऑफ एंगर, ये इन द स्टेट ऑफ रेज, उसने गुस्से में ऐसा बोला। ही स्पोक शो इन द स्टेट ऑफ एंगर, उसने गुस्से में ऐसा बोला। मैंने कहा सेंटेंस में तुम कैमरे में हो। लिखा होगा आप, देखो आप कैमरे की निगरानी में। यू आर अंडर सीसीटीवी। कैसा होता है? हम कैमरे में है तो वी आर अंडर सीसीटीवी। हम कैमरे में है, वी आर अंडर सीसीटीवी कैमरा। ओके, मैंने कहा ट्रेन आने ही वाली है, बस आने ही वाली है, कुछ देर जा रही है, कुछ ही सेकंड में आने वाली है। कैसे बोलेंगे? द ट्रेन विल कम। गलत, आने वाली आएगी नहीं, कुछ ही देर जा रही है, हालांकि मुझे दिख भी रही है, अभी स्टेशन पर नहीं आई है, पता नहीं कौन से पर रुकेगी, लेकिन वो बस बिल्कुल आने वाली है। गलत, ट्रेन कमिंग सून। गलत, हम सेंटेंस को बोलेंगे द ट्रेन इज अबाउट टू कम। क्या बोलेंगे? द ट्रेन इज अबाउट टू कम। जब कोई काम बिल्कुल हाल फिलहाल में होने वाला था, आप बोलते हैं द ट्रेन इज अबाउट टू कम। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा मैं उनमें से एक हूँ। आई एम अदर वन।
आप गलत बोल रहे हैं, जुबैर आलम। ये सेंटेंस है जब हम कहते हैं कि उनमें से एक, तो आप बोलते हैं वन ऑफ देम। क्या बोलते हैं? आई एम वन ऑफ देम। कैसे बोलेंगे? I am one of them. फिर बोलो आई एम वन ऑफ देम। फिर बोलो आई एम वन ऑफ देम। मैंने कहा तुम उनमें से एक हो, यू आर वन ऑफ देम। कैसे बोलेंगे? यू आर वन ऑफ देम। वेरी गुड, यू आर वन ऑफ देम। मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा आप चाय पीते हैं, आप कहते हैं और दे दो। हाँ मतलब चाय मुझे और दे दो, आपको मतलब ये है कहने का। अगर आप कोई चीज किसी को उठाकर देंगे तो आप बोलते हैं गिव। लेकिन जब आप चाय को उठाकर नहीं दे रहे हैं, आप चाय को उसके कप में आप डालते हैं, तो आप बोलते हैं पोर मी मोर टी। क्या बोलते हैं? पोर मी मोर टी। इसका मतलब मुझे और चाय डाल दो या मुझे दे दो। कोई पतला पदार्थ होता है तो उसके लिए बड़ी यूज करते हैं पोर। कोई ठोस पदार्थ है तो आप उसे बोलते हैं एड। मैंने कहा चाय में चीनी डाल दो तो चीनी टॉस होती है, तो आप बोलेंगे एड द शुगर इन टी। एड द शुगर इन टी। ओके, मेरा ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने कहा इस शर्ट का कलर उड़ रहा है। दिस शर्ट कलर कैसे बोलेंगे? दिस शर्ट कलर इज गेटिंग फैड। This shirt color is getting fad. इसका मतलब है कि इस शर्ट का जो कलर है, फैड का मतलब मुरझा रहा है या वो धीरे धीरे उड़ रहा है। चलिए ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू आर हियर फर्स्ट टाइम, अगर आप ये पहली बार आए हैं, मेरे चैनल करेंगे सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे और ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और हम लोग जूम ऐप पर भी हम लोग अपने स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाते हैं। आप हमें वॉच करते रहिएगा और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिएगा। कीप वॉचिंग मी एंड कीप इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज। Thank you. See you in next video.